आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज़ दी बफर कैपेसिटी। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल को स्टडी करेंगे जो कि आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 5 है। इसी एग्जांपल ने ही बेसिकली आगे चल के हेंडरसन इक्वेशन की एग्जांपल है ये, और इसी इक्वेशन की एग्जांपल ने जो है बफर कैपेसिटी के टॉपिक में हमारी हेल्प आउट करनी है, इसलिए इस एग्जांपल को हम अभी इसमें स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक की, जिसमें हमने हैंडरसन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने पीएच जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो आप एग्जाम्पल की अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें दी हुई है, जो डाटा हमें गिवन है, वो ये कह रहा है जी कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर CH3COONa जो कि क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.11 मोलर है। मोलर सॉल्यूशन का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये इसके यूनिट्स हैं। फिर वो कहता है जी कि आपके पास जो एसिटिक एसिड है CH3COOH जो कि हमारे पास एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन 0.09 मोलर है या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। फिर वो कहता है जी कि आपके पास जो के ए है एसिड का, किसका, CH3COOH का, वो आपके पास है 1.85 × 10⁻¹⁵। और फिर वो आपसे मांग कह रहा है, रिक्वायर्ड में आपसे वो कह रहा है जी कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस बफर। इस पीएच की आप बफर जो है वो फाइंड आउट करें। तो वेरी सिंपल एग्जांपल है, आपने हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन में आप जाएंगे इसके यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन थी पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, दिस इज द इक्वेशन। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है, एसिड की कंसंट्रेशन भी हमारे पास मौजूद है, के ए हमारे पास मौजूद है, पी के ए हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पी के ए हम फाइंड आउट करेंगे जो कि बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। तो माइनस लॉग ऑफ के ए जो हम लेंगे दैट इज 1.8 × 10⁻¹। तो ये जो है हो जाएगा बराबर 4.74 के। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, तो पी के ए हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इस पी के ए को उठा के इस इक्वेशन में डालें तो हमारे पास बाकी की वैल्यूज़ भी पुट करें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ बनेगी, पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड होता है, तो पी के ए 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है दैट इज 0.11, और एसिड की कंसंट्रेशन आपको 0.09 जो है वो गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.74 प्लस 0.087, और ओवरऑल जो पीएच का आंसर आएगा दैट विल बी 4.83। ये आपके पास आपके बफर सॉल्यूशन की पीएच आ गई। ये सिंपल एग्जांपल थी जिसमें आपने क्या किया, हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल जो है वो देखा है। अब यहाँ पर 4.74 से ज़्यादा है आपका आंसर, पी के ए से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन वो क्या थी, ज़्यादा थी एसिड की कंसंट्रेशन से। जाहिर सी बात है कि 0.11 इज़ ग्रेटर देन 0.09। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए एसिड से, तो फिर आपके पास जो पीएच आएगी वो 4.74 से कम आएगी। तो दिस वाज दी एग्जांपल ऑफ एग्जांपल नंबर 5 ऑफ द चैप्टर। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ दी बफर कैपेसिटी।
बफर कैपेसिटी, अब क्या चीज़ है? बफर कैपेसिटी इज़ बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन की जो बफर कैपेसिटी होगी वो होगी उसकी कैपेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी होगी किस चीज़ की कैपेबिलिटी? टू रिजिस्ट द चेंज। ऑफ पीएच, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है, इसकी जो है पीएच है मेरे पास, मैं कहता हूँ जी 5। अब मैं इसके अंदर उठा के कोई बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दूँ एसिड का या फिर बेस का, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये उसकी पीएच को फिर भी 5 रखे। हमने इसकी बफर की शुरू के टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि बफर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड बेस को रिजिस्ट कर लेता है, लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए तो वो उसको रिजिस्ट नहीं कर सकेगा, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा और फिर आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी पीएच। तो कैपेसिटी बफर की हमें ये बताती है कि ये पीएच को किस रेंज तक बर्दाश्त करेगा या किस लेवल तक ये पीएच को मेंटेन करेगा, और उसके बाद ये बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद ये बफर की कैपेसिटी जो है, उसके बाद अगर मज़ीद आप चीज़ें ऐड करेंगे तो वो बफर उसकी पीएच को मेंटेन नहीं कर सकेगा। तो ये जो चीज़ है ये हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास उसकी मोलैरिटीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, मोलैरिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है कि सॉल्ट है एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट आपके पास एसिड या फिर बेस होता है, तो इनकी मोलैरिटीज़ के ऊपर, इनकी कंसंट्रेशंस के ऊपर जो है हमारे पास ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि बफर की कैपेसिटी जो है वो क्या होने जा रही है। तो एक केमिस्ट जो होता है वो सबसे पहले बफर को बनाते वक्त बफर की कैपेसिटी को चेक करता है कि ये जो बफर हम बनाने जा रहे हैं, बफर सॉल्यूशन, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, ये किस लिमिट तक जो है हमारे पास उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा, उसकी पीएच को बढ़ने या कम होने से जो है वो रोक सकेगा। तो अब हम अपनी जो अभी हमने प्रीवियस एक एग्जांपल स्टडी की है उसी को लेकर चलते हैं और उसी को बेस बना के हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बफर की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी। हमने अभी जो प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी उसमें हमारे पास CH3COONa जो कि सॉल्ट था, उसकी कंसंट्रेशन थी 0.11 मोलर। फिर हमारे पास जो सॉल्ट की 0.11 थी, हमारे पास जो एसिड था CH3COOH उसकी थी 0.09, और इसकी जो पीएच निकली थी वो हमारे पास आंसर आया था 4.83 इस बफर का। अब ये एक बफर सॉल्यूशन है, अब हमने इसकी कैपेसिटी देखनी है। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एडिशन ऑफ, हम इसके अंदर 0.01 मोल्स ऑफ NaOH डाल देते हैं। अब हमने ये देखना है कि 0.01 मोल्स NaOH इस सिस्टम के अंदर डालेंगे तो इसकी पीएच में कितना चेंज आएगा। नाउ 0.01 मोल्स को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, 0.01 मोल्स ऑफ NaOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किस तरह से है कि अगर यही 0.01 मोल्स ऑफ NaOH जो मैंने उठा के इस सॉल्यूशन में डाले हैं, अगर मैं इसको उठा के प्योर वाटर में डालूं तो प्योर वाटर की पीएच होती है 7, और इस प्योर वाटर में 0.01 मोल्स ऑफ NaOH 1 डेसीमीटर प्योर वाटर के अंदर डालने से इसकी पीएच हो जाएगी 12। तो 7 से 12 का चेंज आता है सिर्फ 0.01 मोल। आप 0.01 को सब समझ रहे होंगे कि 1 मोल का 1/10वां हिस्सा है, ये कितना को फर्क डाल देगा, लेकिन ये चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये 7 से 12 पे एक प्योर वाटर की पीएच को चेंज कर देता है। लेकिन हमने देखना है कि आम पानी पे इसका इतना असर होता है, बफर पे इसका कितना असर होगा या बफर इसको कैसे जो है इसको
इसके चेंज को सप्रेस करेगा। तो अब हमने यही देखना है कि ये हमारे पास सिस्टम था हमारा, जिसमें हमने बफर को, बफर सिस्टम के अंदर हमने 0.01 मोल्स ऑफ NaOH को ऐड करवाया। तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा। अब NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अंदर जाएगी Na+ और OH नेगेटिव दे देगी। इसका 0.01 मोल आपने ऐड किया था, तो ये कंप्लीट जोन सी है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट। और कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब है कि आपके पास जितने मोल्स आपने इनिशियली लिए थे वो सारे के सारे मोल्स अपने आयंस के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। तो NaOH जो आपकी सिस्टम के अंदर जाएगी वो 0.01 मोल्स ही देगी Na पॉजिटिव के, और 0.01 मोल्स ही देगी OH नेगेटिव के। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास मौजूद हैं CH3COOH, आपके पास सिस्टम में मौजूद है, और CH3COOH NA आपके पास सिस्टम में मौजूद है। इन दोनों का बफर जो सा है वो मौजूद है। ये आपके पास 0.11 मौजूद है, ये बल्कि आपके पास 0.09 मौजूद है, और ये आपके पास 0.11 जो है क्वांटिटी में मौजूद है। अब होगा क्या, होगा ये आपके पास कि जो आपका OH नेगेटिव है, जो कि 0.01 मोल्स की क्वांटिटी में मौजूद है, ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, CH3COOH है, ये टूटेगा CH3COO- में और साथ में देगा H पॉजिटिव। अब ये था हमारे पास 0.09, यहाँ पर मौजूद था हमारे पास 0.01 OH नेगेटिव। ये 0.01 OH नेगेटिव जो है ये इससे जाके रिएक्ट करेगा और बना देगा वाटर, कितना, 0.01। अब ये क्वांटिटी जो थी इसमें से 0.01 इस्तेमाल हो गई, और ये क्वांटिटी हमारे पास बच गई 0.08। इसको आप दोबारा समझें, CH3COOH आपके पास मौजूद था, इसने दिया H पॉजिटिव और CH3COO- कितना कितना, 0.09 मौजूद था। ठीक है, हमारे पास 0.01 आपने NaOH जो है वो ऐड की थी, और NaOH ने दो चीज़ें दी थी। NaOH ने क्या दिया था, CH3COO-। NaOH ने हमें दो चीज़ें दी थी, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये जो है ये इसके साथ आपस में मिलेंगे, ये बन जाएगा वाटर। अब कितना वाटर बनेगा, 0.01, कंप्लीट का कंप्लीट ये वाला। अब 0.01 जब वाटर बन जाएगा तो ये क्वांटिटी जो पीछे बचेगी ये होगी 0.08, और ये हमारे पास अभी 0.01 नेगेटिव आयन वैसे का वैसे ही मौजूद है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब ये हमारे पास कितना मौजूद है, ये भी तो 0.01 ही मौजूद है ना, ये भी जैसे 0.01 था। अभी हमने पीछे बात की कि 100% जो है इनकी डिसोसिएशन हो गई NaOH की। ये वाला तो यूज़ हो गया, वाटर बन गया। जो ये वाला आयन है सोडियम का 0.01, ये इस 0.01 से जो इसमें से सेपरेट हुआ हुआ था इसके साथ मिलेगा और बना देगा CH3COO-Na। अब ये CH3COO-Na बना है 0.01, ठीक है जी। अब हम वापस जाते हैं अपने सिस्टम की तरफ। CH3COOH हमारे पास था 0.09, जिसमें से 0.01 इस्तेमाल हुआ और जो नई वैल्यू आ गई वो थी 0.08।
और CH3COONa हमारे पास 0.11 मौजूद था, लेकिन इस रिएक्शन के नतीजे में 0.01 और बना और ये वैल्यू इंक्रीज हो गई 0.12 की तरफ। अब हमारे पास ये नई वैल्यूज़ आ गई हैं कंसंट्रेशन की, सॉल्ट की और एसिड की, और इन कंसंट्रेशंस को अब हम लेकर आगे चलेंगे और एंडरसन इक्वेशन के इस्तेमाल से अपनी वैल्यू को निकालेंगे। तो अब समरी इसकी ये हुई कि हमारे पास CH3COOH जो था वो 0.09 था और CH3COONa हमारे पास 0.11 था। अब आपने इसके अंदर ऐड कर दिया 0.01NaOH, और उसके ऐड करने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो के रह गई 0.08, और इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गई 0.12। अब ये नई कंडीशंस के ऊपर हम क्या करेंगे, हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे 0.01NaOH के ऐड करने से pH पे कितना फ़र्क आया। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। तो pKa हमारे पास 4.74 होता है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की नई कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.12, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज़ नाउ 0.08। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 4.74 प्लस जो होगा इसका आंसर जो कि है 0.176। और अब आपके पास जो फाइनल पीएच आई दैट इज़ 4.92। तो पता क्या चला कि आपके पास बहुत ही कम जो है चेंज आता है। अब आप इसको अगर मैं समराइज करूं तो पुराना सिस्टम जो था उसके अंदर ये हमारे पास 0.09 था और ये 0.11 था। फिर जब हमने सिस्टम के अंदर 0.01NaOH ऐड की तो हमारे पास नया सिस्टम बना जो कि क्या था, CH3COOH, जिसके अंदर हो गई कम हो के 0.08, और CH3COONa हमारे पास बन गई 0.12। इस सॉल्यूशन की जब हमने पीएच निकाली तो वो हमारे पास एग्जांपल का आंसर क्या आया था, 4.83, और अब जो हमने आंसर निकाला वो आया 4.92। तो सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आया है इन पीएच इस 0.01 NaOH के डालने से, जबकि यही 0.01 NaOH जब हम प्योर वाटर में डालते थे तो पीएच में 7 को चेंज कर देता था, 12 में 5 का डिफरेंस आता था पीएच के अंदर। NaOH इतनी स्ट्रॉन्ग है, जबकि सेम स्ट्रॉन्ग आपने NaOH डाल के जब बफर में डाली आपने तो सिर्फ 0.1 का फर्क आया पीएच में। तो दिस इज हाउ हमारे पास बफर कैपेसिटी निकलती है कि बफर जो है कितना कैपेबल है अपने आने वाले चेंज को रेजिस्ट करने में, कि ये जो हमने चेंज किया एक स्ट्रॉन्ग बेस डाली उसने उसको कैसे जो है वो रेजिस्ट किया। और यहाँ से जो एक फाइनल बात भी हमें पता लगती है वो ये है कि जो पीएच होती है, पीएच ऑफ अ बफर दैट इज नॉट कांस्टेंट, आपका जो बफर सॉल्यूशन होता है वो पीएच को कांस्टेंट नहीं रखता। ये नहीं है कि आपने अगर एक बफर सॉल्यूशन बना दिया 4.5 पीएच का तो वो हर केस में 4.5 ही रहेगी, वो बाहर वाले आने वाली कंडीशंस के मुताबिक चेंज होगी लेकिन बहुत कम। जैसे कि अभी आपने देखा 4.83 थी, बाहर से चेंज आया 0.01 NaOH जो है ऐड किया आपने और जो नई कंडीशन बनी वो 4.92 बन गई। तो वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम जनरली कह देते हैं कि पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि इतना थोड़ा सा डिफरेंस आपकी ओवरऑल पीएच की चेंजेस को या ओवरऑल क्वालिटीज़ को या करेक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट
नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पीएच जो बफर की होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वो आने वाले चेंज को इस तरीके से कम करता है कि पीएच में बहुत कम चेंज आता है। चेंज मगर ज़रूर आता है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये था हमारा यहाँ तक जो है हमारे चैप्टर का तकरीबन 90% ख़त्म हो गया। हमारे इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि बहुत ही आसान हैं, और ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हवाले से। इक्विलिब्रियम और ली शेटलीज़ प्रिंसिपल, और फिर ये बफर्स और एसिड्स, और ये हैंडरसन इक्वेशंस, और ये तमाम चीज़ें जो हमने स्टडी की हैं। अब हमारा चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और उनको हम नेक्स्ट टाइम ख़त्म करेंगे। तो दिस वॉज आवर टूडेज़ टॉपिक अबाउट द बफर कैपेसिटी।